सो गाइज, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रेग्नेंट मॉलीफिस को परचेज करने वाले हैं। गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, हम प्रेग्नेंट मॉलीफिस परचेज करने वाले हैं। एंड गाइज, जब वो बेबी ले करेगी, जब वो बच्चे ले करेगी, तो वो भी गाइज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये कंप्लीट एक वीडियो होने वाली है। सो गाइज, अपनी प्रेग्नेंट मॉलीफिस परचेज करने से पहले हम आपको कुछ फिश की वैरायटीज दिखाएंगे और उनका प्राइस भी आपको बताएंगे। तो चलिए गाइज, पहले आपको कुछ फिश की वैरायटी दिखाते हैं और उसका प्राइस बताते हैं। सो गाइज, इस नेट से हम अपनी प्रेग्नेंट मॉलीफिस को पकड़ने वाले हैं। सो गाइज, मुझे लगा था इसमें काफ़ी सारी फीमेल्स होगी, काफ़ी सारी प्रेग्नेंट मॉलीफिस होगी, पर गाइज इसमें ज़्यादातर मेल है, फीमेल बहुत कम है। और में से गाइज सिर्फ एक ही फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मुझे काफ़ी सारी फीमेल्स चाहिए थी प्रेग्नेंट, बट एक ही मुझे मिली है। तो कोई बात नहीं गाइज, उसे फटाफट से पकड़ते हैं और परचेज करके आपको दिखाते हैं। सो गाइज, हमने दो मॉलीफिस को पकड़ा है, एक चॉकलेट मॉलीफिस है और एक ब्लैक प्रेग्नेंट मॉलीफिस है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइज फटाफट से इसे पैक करते हैं और कुछ और मॉलीफिस को पकड़ते हैं और आपको पकड़ के दिखाते हैं। सो गाइज, यहाँ पे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सी जंबो साइज़ की मॉलीफिसेस हैं। तो गाइज़, अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इनका साइज़ और कलर और पैटर्न। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो एक मॉलीफिस को मैंने पकड़ लिया अपने नेट पे। तो गाइज़, इसे फटाफट से निकालते हैं और आपको निकाल के दिखाते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप इसका कलर और इसका पैटर्न देख सकते हो। ऐसे तो बॉडी में कोई पैटर्न नहीं है, बट गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कलर है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइज देखने में। एक और मैं मॉलीफिस परचेज करूँगा। तो गाइज, मैं टोटल 4 मॉलीफिस परचेज करने वाला हूँ और गाइज 4 मॉलीफिस को मैं पैक करके आपको दिखाऊंगा। तो गाइज फटाफट से सारी मॉलीफिस को पैक करते हो और आपको पैक करके आपको दिखाते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी सारी मॉलीफिस को पैक कर लिया। सो गाइज, यहाँ पे एक पेयर हमने जंबो साइज मॉलीफिस परचेज़ किया जिसका प्राइस 40 रुपीज़ पड़ा। और गाइज, यहाँ पे हमने एक ब्लैक कलर की फीमेल प्रेग्नेंट मॉलीफिस परचेज़ की और गाइज हमने एक मेल चॉकलेट मॉलीफिस परचेज़ किया। सो गाइज, यहाँ पे आप सारी मॉलीफिस को देख सकते हो। सो गाइज, फटाफट से घर चलते हैं, इन सब की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए गाइज घर। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा हमने आपको बताया था कि हमने एक प्रेग्नेंट मॉलीफिस परचेज़ की और उसने बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर गाइज उसने बेबीज़ दे दिए थे। तो यहाँ पे आप बेबीज़ को देख सकते हो। सो गाइज, इसे मैंने नेट पे रखा था और मुझे ऐसा लगा था कि जितने भी ये बेबीज देगी वो नेट्स के थ्रू नीचे होल में, मतलब कि बाल्टी में चली जाएगी। बाल्टी बोल रहा हूँ मैं, ये छोटे से कटोरे में वो चली जाएगी। बट गाइज प्लान फेल हो गया, बेबीज़ का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा था तो सारे बेबीज़ नेट के ऊपर ही रह गए, नेट के नीचे नहीं जा पाए। बट गाइज, हमारी जो फीमेल है वो बेबीज़ को अटैक नहीं कर रही है, फिर बेबीज़ को निप नहीं कर रही है, वो बेबीज़ के साथ बिल्कुल चिल है, वो कुछ भी नहीं कर रही है। बट गाइज, यहाँ पे एक बात देखने को मुझे मिली है कि सारे बेबीज़ का कलर बिल्कुल अलग अलग है। कुछ इसमें गाइज वाइट कलर के हैं, कुछ हल्के से रेड और ब्लैक मिक्स कलर में, और कुछ बिल्कुल ही डीप ब्लैक कलर में। तो मतलब कि जो मेरी जो फीमेल है गाइज, हो सकता है उसने किसी रेड के या वाइट के साथ, रेड मॉलीफिस या वाइट मॉलीफिस के साथ मीटअप किया हो, मीट किया हो, एंड मुझे ढेर सारे डिफरेंट कलर के बेबीज़ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो गाइज़, अभी हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी बेबीज़ हैं उसे हम एक 12 इंच के बाउल में निकालेंगे, मतलब कि सेपरेट कर देंगे 12 इंच के बाउल में। और गाइज़, जो हमारी जो फीमेल है उसे हम अलग कर देंगे और फिर दोनों को अलग अलग रेस करेंगे। फीमेल अभी कुछ दिन तक सबसे अलग रहेगी, सेपरेट रहेगी, और हमारे बेबीज़ को हम बाउल में ऐड करेंगे। तो चलिए गाइज़, आपसे दोनों को सेपरेट करके मिलते हैं।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अपने बेबीज़ को सेपरेट कर दिया एंड इस 12 इंच के बाउल में रख दिया जिसमें इनफ पानी है। इसमें ये करीब करीब 1 से 2 हफ्ते तक इसी में रेज होंगे। उसके बाद हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, इनको और थोड़ा बड़ा स्पेस देंगे और थोड़ा खुला स्पेस देंगे जिसमें ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा 30+ बेबीज़ हैं इसके अंदर, मैंने काउंट किया 30+ हैं, एक दो हो सकता है ज़्यादा हो ऊपर नीचे हो। और यहाँ पे गाइज फीमेल आप देख सकते हो बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है। इसे फटाफट से किसी अच्छे सेटअप में ऐड करेंगे और इसे भी बाकी सारी फिशेज से जितनी भी मेरे पास मौली फिशेज हैं सबसे अलग रखेंगे और इसे एक अलग सेटअप में रखेंगे ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सके और अच्छे तरीके से फीड कर सके, क्योंकि बेबीज़ देने के बाद नॉर्मली मौली फिश थोड़ा सा वीक हो जाती है। तो इसीलिए इसे भी बिल्कुल सेपरेट रखेंगे और अच्छे तरीके से फीडिंग कराएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से हेल्दी हो सके, स्वस्थ हो सके। उसके बाद फिर से बाकी फिशेज के साथ हम ऐड करेंगे। सो गाइज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड अगर आपको कुछ भी जानना है, अपडेट वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए आपको बेबीज़ के ऊपर कि आप फीड करा के दिखाओ या फिर इनको ग्रो करा के दिखाओ, तो उन सब के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे अगर आप नीचे कमेंट करके हमें बताओगे। और गाइज अपनी फीमेल के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि अभी इसकी कंडीशन कैसी है और अपडेट भी देते रहेंगे। सो गाइज आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना और अपनी पेट्स का भी ध्यान रखें।